अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में चैप्टर एट स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डाटा बेस डिवेलपमेंट्स और टाइप्स ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले डाटा बेस डिवेलपमेंट क्या होती है कि जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं मैनेज करते हैं और रिट्रीव डाटा करते हैं एक आर्गेनाइज वे के साथ रिलेशनल डाटा बेस इसमें यूज़ होती है टू स्टोर एंड मैनुपलेट डाटा अफेक्टिवली डाटा कैसे स्टोर किया जाता है टेबल्स और रिलेशंस की फॉर्म में अब कौन कौन सी टाइप्स हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की जिसके जरिए से हम डाटा को स्टोर करते हैं सबसे पहले डाटा बेस इंक्लूड होता है क्रिएशन ऑफ डाटा बेस सब्जेक्ट्स डाटा बेस सब्जेक्ट्स हमारे पास बेसिकली सेवन है यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ फोर को बताया गया है जिसमें टेबल्स फॉर्म्स क्यूरीज रिपोर्ट ई ये हम आगे चल कर स्टडी करेंगे अब देर आर डिफरेंट रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स मुख्तिफ़ के रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जिसमें एम एस एक्सएस ओपन बेस बेस एक्स क्यूल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट एक्सएस सबसे पहले ओपन बेस ओपन ऑफिस बेस ओपन ऑफिस बेस एक डेटाबेस बेस मॉड्यूल है ऑफ ओपन ऑफिस सूट का इट इज़ एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जो आपको ईजीली नेट से अवेलेबल हो जाता है उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं जिसको यानी आप इंटरनेट के थ्रू सर्च करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कोई की वगैरह आपको यूज़ करनी नहीं पड़ती इट फीचर विजिट हेल्प न्यू यूजर्स टू क्रिएट डाटा बेड डिज़ाइन डेट इज़ टू क्रिएट टेबल क्यूरी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डाटा बेड अप्लिकेशन सर्च एस अकाउंटिंग पे रोल इन्वेंट्री एंड सेल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं ओपन ऑफिस बेस यूज होता है उसके बाद है एक्सक्यूएल सर्वर रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिवेलप किया था कैन बी accessed फ्राम वेरियस devices. यूज टू क्रिएट एंड मैनेज वेब बेस्ड डाटा बेस यानी जो हम वेब based डाटा बेस करते हैं सूटेबल फॉर स्मॉल एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद है आपके कोर्स में ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं जिसका प्रैक्टिकल भी है वो है माइक्रोसॉफ्ट Access. पॉपुलर रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है प्रोवाइड मैनी फीचर्स टू क्रिएट एंड manipulate डाटा बेस स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ़ डाटा वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़ ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें यूज़र क्रिएट टेबल्स कर सकते हैं फॉर्म्स रिपोर्ट क्विकली एंड इजीली कर सकते हैं एम एथ एक्सेस क्या होती है कि आपको अब मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये आप सबसे पहले आपकी जो ऑल एप्लीकेशनस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये एक ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है 2007 इसके सेवन वर्जन आ चुके हैं फिलहाल हम मैंने विंडो 7 ओपन किया है सबसे पहले हम ये ब्लैंक डाटा बेस लेते हैं इसमें और डाटा बेस का जो भी आपने नाम इधर रखना हो वो आप इधर अपना नाम रख सकते हैं जिस तरह मैं कोई यहाँ पे डाटा बेस का नाम रखता हूँ फर्स्ट करें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो ये आपकी क्रिएट डाटा बेस हो जाती है फिर आपने सबसे पहले क्रिएट में जाके टेबल डिज़ाइन लेना होता है सर अब आपको पता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से टेबल्स हो सकते हैं स्टूडेंट का टेबल हो सकता है टीचर का टेबल हो सकता है यानी जितने भी आपके टेबल्स हो सकते हैं वो आपने इसमें बना देने हैं यहाँ पे फील्ड नेम में एट्रीब्यूट्स वगैरह आते हैं डाटा टाइप में यहाँ पे उसकी क्या क्या डाटा टाइप है ये अगली वीडियोस में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ इतना बताने का मकसद था कि डाटा बेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं और कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं जस्ट ये आपको एक ओपन करने का और एक टेबल्स बनाने का तरीका बताया उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा जिसमें हमने डाटा बेस डिवेलपमेंट और टाइप्स ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ी यानी कौन कौन सी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए इसी के साथ खुदा हाँ।